दोस्तों आईपीएल 2023 लखनऊ सुपर जायंट्स का दूसरा ही आईपीएल सीजन होगा और अपने दूसरे सीजन में ही केएल राहुल की कप्तानी वाली यह टीम आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करने की कोशिश करेगी। आईपीएल 2023 को शुरू होने में अभी करीब 2 महीने का समय बाकी है। हालांकि इस समय कई टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं जिनमें लखनऊ के खिलाड़ी खेल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन टूर्नामेंट्स में खेल रहे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नज़र डालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस समय भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट लीग रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है जिसमें लखनऊ के कई बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। रणजी में खेल रहे एलएसजी के मनन बोरा ने हाल ही में रेलवे के खिलाफ शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 126 रन बनाए। इससे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने डबल सेंचुरी भी जड़ी थी। स्वप्निल सिंह ऑलराउंड प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ौदा के खिलाफ स्वप्निल ने 63 रन बनाए थे। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में 80 रन देकर 3 विकेट भी लिए। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट भी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के खिलाफ मैच में उन्होंने पहले ही ओवर में हैट्रिक चटकाई थी। इनके अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अब लखनऊ सुपर जायंट्स के विदेशी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी एक नज़र डालते हैं। एलएसजी के ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। डीकॉक साउथ अफ्रीका 20 लीग में डरबन सुपर जायंट्स की तरफ से खेल रहे हैं जिसमें उन्होंने अब तक 5 मैचों में 159 रन बनाए हैं। इनमें उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई है। डेनियल सेम तो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेल रहे हैं। सिडनी थंडर्स के लिए खेल रहे डेनियल ने 12 मैच खेले हैं जिनमें वह 16 विकेट ले चुके हैं। डेनियल सेम्स के प्रदर्शन को देखकर लखनऊ काफ़ी खुश हो रही होगी और वह उम्मीद कर रही होगी कि ऐसा ही प्रदर्शन वह उसके लिए आईपीएल में भी करें। निकोलस पूरन भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं जिन्हें लखनऊ ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा है। वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन इंटरनेशनल T20 में MI एमिरेट्स की तरफ से खेल रहे हैं। उनके बल्ले से तेज तर्रार रन निकल रहे हैं। IL T20 के 4 मैचों में पूरन 108 रन बना चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस जरूर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वे इस समय बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। स्टोनिस काफ़ी समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। IPL 2022 में वे कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे। IPL 2023 में देखना दिलचस्प होगा कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का हालिया प्रदर्शन है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों का। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल क्रिक ट्रायंगल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।